हेलो शेफ, आज का प्लानिंग क्या है? हेलो सर जी, नमस्कार। मैंने शंकर, मैं बना रहा हूँ पनीर काजू मसाला, मटर की ग्रेवी, ओनली रिच ग्रेवी। ओके, कोई भी खा सकता, बच्चे भी खा सकते हैं। ओके, तो आज हमारे पास शंकर शेफ लेके आया पनीर काजू का, पनीर काजू मसाला का रेसिपी। तो आप आज देखेंगे पनीर काजू मसाला कैसा बनता है। तो सबसे पहला यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन लिया गया और उसके अंदर बटर डाला गया, ढेर सारा बटर। और इसको विद पनीर और काजू को उसके अंदर क्रॉस किया जाएगा। तो कैसे करते हैं आप देखते रहे वीडियो को एंड तक। काजू ले लिया, तो यहाँ पे तकरीबन लिया गया और उसको अभी बटर में टॉस किया जा रहा है। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, क्या क्या हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ में। तो रेस्टोरेंट पे जैसा मन पे जैसा काजू पनीर बनता है, तो दूसरी रेसिपी आपको। तो पनीर को भी क्यूब काट करके पनीर और काजू को अच्छे से बटर के साथ टॉस किया जा रहा है, अच्छे से उसको एक क्विक टॉस दिया जा रहा है। और उसके बाद उसका दूसरा जो स्टेप है उसको दिखाएंगे। तो काजू ऑलमोस्ट कलर आ रहा है, काजू का पनीर का थोड़ा ऊपर से जैसा ही थोड़ा कलर आ जाए उसको हम लोग साइड कर देंगे और उसके बाद दूसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो उसको अभी से दूसरा पैन ले लिया गया और इसमें भी थोड़ा बटर डाला गया। तो सबसे पहले चॉप मसाला यहाँ पे डाला गया। हमारे यहाँ पे चॉप मसाला ऑलरेडी रेडी रहता है, तो इसके लिए अलग से चॉप मसाला बनाने की जरूरत नहीं। आपके पास चॉप मसाला नहीं है तो और जैसा पहले बनाया जाता है तो ऐसे बना सकते हो। तो हम लोग को क्या रेडीमेड जो रेडी रहता है तो उसी को हम लोग सिर्फ घुमा फिरा के उसको फेंक देता है। और उसके साथ साथ कंदा ग्रेवी डाला गया, वाइट ग्रेवी यहाँ पे, वाइट ग्रेवी जैसा काजू का पेस्ट उसमें डाला गया। तो इसका बहुत, तो कभी आपसे शेयर करूँगा जो ग्रेवी होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे वेज का स्टॉक डाला गया। इजी है, क्विक, मतलब बहुत जितना जल्दी हम लोग इसको सर्व कर सकते उतना जल्दी में हम लोग उसको प्रिपेयर करके रख देते। तो जैसा रेस्टोरेंट पे सर्व किया जाता है वैसा ही आपसे शेयर कर रहा हूँ वो कैसा क्या बनाया जाता है। थोड़ा सा मावा डाला गया इसमें। और इसका जो ग्रेवी है येलो बनाएंगे, कहीं जगह पे आपको रेड मिलता है और कई जगह पे येलो। तो हम आज प्रिपेयर करेंगे येलो ग्रेवी का। तो येलो ग्रेवी में काजू पनीर मसाला हम लोग सर्व कर रहे हैं। मावा और चीज़ को अच्छे से उसके साथ मेल्ट होने देंगे। अभी इसको सिजलिंग किया जा रहा है। सिजलिंग मसाला डाल देते, किचन किंग, थोड़ा किचन किंग डाला गया, धनिया पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा, साथ ही में थोड़ा जीरा पाउडर, नमक और स्वाद का अनुसार नमक, ज़रा सी शुगर टच कर दें, टच अप शुगर। और इसको फिर से उसको मिला लेंगे। तो ग्रेवी तो ऑलमोस्ट तैयार है, अपना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ग्रेवी बनाने के लिए। थोड़ा सा स्टॉक और डाला गया और इसको थोड़ी देर पका लेंगे जो मसाला और ग्रेवी के साथ अच्छा से उसको पक जाए मसाला। तो जैसा ही क्या हुआ पनीर और काजू थे तो उसके अंदर डाल देंगे, उसके साथ फिर से मिला लेंगे। क्योंकि कितना बढ़िया कलर आ गया येलोनेस और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। ऑलमोस्ट हमारा पनीर काजू मसाला बन के रेडी। क्रीम डाला जा रहा है, क्रीम इसका फिनिशिंग टच है, मतलब ये फिनिश किया जाएगा। इसके बाद क्रीम डाल के ज़्यादा टाइम नहीं घुमाएंगे और इसको इसको थोड़ा टाइम पका के उसको ज़रा सा कोरिएंडर डाला जा रहा है, फ्रेश कोरिएंडर चॉप। ये बन के तैयार हो गया और अभी इसको करेंगे प्लेटिंग। तो चलिए प्लेटिंग कैसे करते हैं वो आपको दिखा देते हैं। जा रहे तो हमने ये कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई का टाइप पे प्लेट ले लिया, मतलब जो हम लोग जिसको सर्व करते हैं और इसके अंदर हम लोग डाला जाए।
और इसको रोटी दान कुलचा किसी कोई रोटी के साथ खा सकते हैं। डाला जा रहा है थोड़ा कोरिएंडर चॉप। ये हो गया पनीर काजू मसाला, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। खाइए और एंजॉय करिए। लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए।